हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आशीष यादव। आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेड टैगर के शॉर्टकट कीज़ को लेके। शॉर्टकट कीज़, यहाँ पर बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ होती हैं जिनकी हेल्प से हम अपने ट्रेडिंग को बहुत ही आसान कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर भी, शॉर्टकट कीज़ को यहाँ बताने का मतलब क्यों है। जैसे कि आपको कोई भी स्क्रिप्ट को बाय करना है तो आप मार्केट वॉच में जाएंगे, पहले आप उसको ऐड करेंगे। जैसे कि मुझे ITC बाय करना है तो आप उसको ITC ऐड करोगे, उसके बाद फिर आप क्लिक करोगे यहाँ पे और फिर आप बाय से करोगे, देन आपके सामने विंडो ये ओपन हो के आएगा। बट अगर आपको इसका शॉर्टकट पता है देन आप इमीडिएट बेस पे डायरेक्टली आप बाय कर सकते हो। जैसे कि जो फर्स्ट शॉर्टकट होता है हमारा बाय करने के लिए F1, आप कीबोर्ड पे F1 प्रेस करोगे देन आपके सामने विंडो खुल जाएगा, आप कोई भी यहाँ पर स्क्रिप्ट लेके यहाँ से बाय कर सकते हो। ठीक है, सो अभी हम लोग शॉर्टकट की को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला शॉर्टकट की हमारा रहेगा यहाँ पर F1। F1 आप जैसे ही प्रेस करोगे आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप अपना स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर सकते हो। कोई भी स्क्रिप्ट, सबको ITC लेना है, आपने यहाँ से ITC सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपने डाल दिया क्वांटिटी, आपको एक्सेल लेना है, प्राइस आपको जो भी प्राइस पे आपको लेना 285, और यहाँ से आप प्लस प्लेस कर दोगे 38, आई थिंक प्राइस 385 385 अगर आप प्लेस कर दोगे सो आपके सामने ये ऑर्डर यहाँ पर दिख जाएगा आपको, ये क्लियर। सो ये ITC प्लेस हो गया आफ्टर आफ्टर मार्केट आवर। ठीक है, सो आपका ये फर्स्ट की है F1। F1 की से आप बाय करोगे इन्वेस्टमेंट में। और दूसरा कि हमारा F2, आपको आपको सेलिंग करना, देन आप F2 क्लिक करोगे, यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, भी स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लोगे, यहाँ पर क्वालिटी प्लेस कर दोगे और सेलेक्ट कर दो डायरेक्टली। ठीक है, इसके बाद अगर आपको EMF में बाय करना, ये तो मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था, अगर आपको EMF बाय करना है देन आप करोगे Alt+F1। Alt+F1 ये कीज मैं जस्ट आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, आपको इसके डिस्क्रिप्शन में सारी कीज मैं लिख दूंगा, वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और बाद में आपको बता दूंगा कि आप ट्रेड टाइगर से बहुत सारे कीज यहाँ पर कैसे देख सकते हो। यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट कीज के बारे में बात कर रहा हूँ जो आप लोगों को जनरल ट्रेडिंग में यूज करना होता है। ठीक है, सो अगर आपको EMF में बाय करना है तो आपको Alt+F1 यूज करना पड़ेगा, जहाँ पे सामने विंडो आपका EMF का यहाँ पे ओपन। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे प्रोटोटाइप ऑलरेडी आपका EMF है। ठीक है, सो आप EMF बाय कर सकते हो। EMF क्या होता है, इसका वीडियोस मैंने बनाया हुआ है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हो वीडियोस। ठीक है, आपको EMF में सेलिंग करने हैं तो Alt+F2 आप प्रेस करोगे तो आपके सामने EMF में सेलिंग का विंडो आ जाएगा। आप यहाँ पर जैसे देख सकते हो, यहाँ पर सेल विंडो है और यहाँ पर EMF आ गया। कोई भी स्क्रिप्ट आप यहाँ से ले लोगे, ITC आपने लिया और यहाँ पर आप क्वांटिटी डाल दोगे, बन आपको सेल करना है तो आपका ये 886 रुपीज़ आपको यहाँ पर सेल करने में लगेंगे। ठीक है, और आपको बाय बाय बिग ट्रेड करना है देन आपको Shift+F1 का आप यूज करेंगे। Shift+F1 ये आपका विंडो आ गया बिग ट्रेड प्लस का, विंडो से आपको इंट्राडे आपको करना है, देन आप Shift+F1 दबा देंगे तो आपके सामने विंडो आ जाएगा। और फिर से मैं यहाँ पर ITC सेलेक्ट कर लूंगा, आपको क्वांटिटी डालना, आपको 1 से लेना है, यहाँ पर बाय मार्जिन 20% का और ये आपका बिग ट्रेड में चला जाएगा। ठीक है, दूसरा आपको बिग ट्रेड सेल बिग ट्रेड करना ना, आप Shift+F2 दबा देंगे सो आपके सामने ये सेल बिग ट्रेड विंडो ओपन हो गया, आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ब्रैकेट बाय होते हैं, ब्रैकेट ऑर्डर। सो ब्रैकेट ऑर्डर के लिए आप Ctrl+Shift+F1, सो आप देखोगे यहाँ पे आपके सामने ब्रैकेट ऑर्डर खुल गया, जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस भी दिख जा रहा और टारगेट भी दिख जा रहा। ठीक है, तो इसको आप प्लेस करना, ITC लिया मैंने, क्वांटिटी 1 प्लेस कर दिया, प्राइस 385 और आपको वो प्रॉफिट डालना 390 और आपको लॉस प्राइस डालना 384, तो आपका ये ब्रैकेट ऑर्डर यहाँ से प्लेस हो जाएगा। ठीक है, और ब्रैकेट में आपको सेल करना है, Ctrl+Shift+F2 आप प्रेस करेंगे जहाँ आपके सामने ये विंडो खुल गया सेलिंग करने के लिए। ठीक है, चलो ये आपका, ये मैंने सारे सारे आपको ऑर्डर टाइप बता दिए हैं। ठीक है, अभी आपको रिपोर्ट देखने, ऑर्डर विंडो ऑर्डर देखना है कि आपका ऑर्डर कहाँ कहाँ पर पड़े हैं, तो एक ऑप्शन आपके पास, आप रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, ऑर्डर देख लेंगे, ये आपके ऑर्डर यहाँ पे आ गए हैं। अदरवाइज आप डायरेक्टली F3 प्रेस करेंगे, आपके सामने ऑर्डर विंडो आ जाएगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे ITC ऑर्डर अभी मैंने प्लेस किया हुआ था, आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और आपको फ्यूचर ऑप्शंस के ऑर्डर देखें तो देन आप F4 प्रेस करेंगे, आपके सामने फ्यूचर ऑप्शंस के ऑर्डर यहाँ पर देखेंगे, बट अभी कोई ट्रेड नहीं है, दैट इज द रीजन आपको यहाँ पर कोई ट्रेड यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, और नेट पोजीशन आपको कैश में देखना है कि आपने जो पोजीशन ली हो, पोजीशन क्या चल रही है, देन आप F5 बटन प्रेस कर देंगे, आपके सामने वो नेट पोजीशन आ रही है, कैश की नेट पोजीशन। आपको फ्यूचर पोजीशन देखें तो आप F6 दबा देंगे तो आपके सामने फ्यूचर के पोजीशन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, और आपको होल्डिंग देखनी है, आपके होल्डिंग्स क्या है, एक ऑप्शन आपके पास रिपोर्ट DPSR या फिर आप डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे F9, चलो F9 कर। अब एक बार हम लोग चार्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, चार्ट को कैसे, जैसे कि आपने ये चार्ट ओपन किया हुआ है, सेकंड चार्ट पे यहाँ पे मैं स्टडीज आपको बता दे रहा हूँ, आपको स्टडी कैसे यूज करें। ठीक है, जैसे कि आपको चार्ट पे कोई कोई इंडिकेटर्स लगाना है, ठीक है, तो ना आप यहाँ से क्लिक करके
एड स्टडी, यहाँ पे क्लिक करके आप ये विंडो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आपको शॉर्टकट चाहिए देन आप कीबोर्ड पे एस प्रेस करोगे, यहाँ से आपके सारे इंडिकेटर्स आ गए। कोई भी इंडिकेटर्स आप यहाँ से लगा सकते हो। आपको बॉलेंजर बैंड यूज़ करना है आप यहाँ से यूज़ करते हो, जस्ट सिंपल एस प्रेस करोगे तो आपके सामने सारी स्टडी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, फ्री लाइन आपको यहाँ पे फ्री लाइन बनानी है देन आप कंट्रोल प्लस एफ, आपके सामने ये आपको फ्री लाइन्स आपको यहाँ पर दे देगा। आपको जो भी लाइन्स बनानी है वो आप यहाँ से फ्री लाइन्स यहाँ पर ये ड्रॉ कर सकते हो। इसका शॉर्टकट आपको रहेगा F, कंट्रोल प्लस F5। ठीक है, और आपको कोई भी आपने वो लगाया है, कोई भी आपने टूल, जैसे कि आपने यहाँ पर फ्री लाइन्स बनाई है, आपको इसको जैसे आपने यहाँ पर फ्री लाइन्स जो भी बनाई है, जैसे कि ये आपकी फ्री लाइन्स है, ये आपकी फ्री लाइन्स है, आपको इस सबको हटाना है ना। आप यहाँ पर जाके डिलीट कर देंगे, अदरवाइज इसका शॉर्टकट की है आपका जो कंट्रोल प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस डिलीट आप क्लिक करोगे देन आपके सामने ये विंडो रहेगा। आप यहाँ से आपका सारे टूल्स आपके रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, आपने कोई स्टडी प्लेस किया हुआ है, जैसे आपने एवरेज लिया हुआ है, इसको आपको रिमूव करना है देन आप यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस ए और यहाँ पे क्लिक करके आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट डेप्थ आपको कोई भी स्टॉक्स, ऐसे कि आपको इस पर कोई भी स्टॉक मैं ले लेता हूँ ITC। ठीक है, आपको इसको मार्केट डेप्थ अगर आपको देखनी है देन आप कंट्रोल प्लस आर दबा देंगे, सॉरी शिफ्ट प्लस आर, आपके सामने विंडो आ गया यहाँ पर बिड आस्क, जो भी प्राइस आपका है बिड आस्क का वो आप यहाँ पर देख सकते हो मार्केट डेप्थ में जाके। ठीक है, ट्रेन लाइन के लिए आपका जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल प्लस टी, इसको प्रेस करेंगे आप तो आप एक ट्रेन लाइन यहाँ से खींच सकते हैं। ठीक है, आपको चार्ट पे वॉल्यूम प्लॉट करना है दैट अल्ट प्लस वी। ठीक है, ये आपके सामने विंडो आ गया, विंडो का थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, इससे आपको दिखाई दे। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अल्ट प्लस वी आप प्रेस करोगे तो अंदर आपके सामने वॉल्यूम का बटन, वॉल्यूम आपके सामने आपको दिख जाएगा, किसी भी चार्ट पर आप वॉल्यूम यहाँ पर दे सकते हो। सो ये थे आपके शॉर्टकट की जो जनरली आपको यूज करने होते हैं। ठीक है, जैसे जितने शॉर्टकट्स की मैं यूज करता हूँ वो मैंने सारे आपको यहाँ बता दिए हैं चार्ट पे, इनका भी यूज आप कर सकते हो अपने ट्रेडिंग को आसान करने के लिए। इसके अलावा आपको अगर टूल्स, आपको अगर और शॉर्टकट की जरूरत है, हालांकि इसके अलावा बहुत जरूरत नहीं होती बट आपको और शॉर्टकट की यहाँ पर जरूरत है, देन आप सेटिंग्स पर जाएंगे और यहाँ पर शॉर्टकट पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये सारे शॉर्टकट्स की जो मैंने आपको बताए हुए हैं वो सारे आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि बाय करने के लिए बाय F1, F2, F1, F2 ऐसे करके ये सारे शॉर्टकट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, इसको थोड़ा मैं लार्ज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपके सामने ये सारे शॉर्टकट्स, आपको जो भी शॉर्टकट यूज़ करने हो आप यहाँ से भी एक बार देख सकते हो। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, डिस्क्रिप्शन में आपको एक इनका सारा शॉर्टकट का मैं वहाँ पर अपडेट कर दूंगा। ठीक है, ओके, सो ये है आपका आज का वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है देन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएगी, आप जाके वहाँ पर डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो शेर खान में, ये सॉफ्टवेयर आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ओके, वंस अगेन थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।